मैं अपने नौजवान साथियों से दो बातें कहता हूं जिसका मुखातब है अव्वल मैं खुद। एक है इबादत और एक है इस्तेकामत। मेरे नौजवान साथियों, उम्र के जिस मरहले से तुम गुजर रहे हो, इस मरहले में इबादत कर लो, इसलिए कि कुछ फजीलतें ऐसी हैं जो फजीलतें तुम इसी मरहले में हासिल कर सकते हो, कल जब जवानी रुखसत हो जाएगी वो फजीलतें तुम्हें नहीं मिलेंगी। वो नौजवान जिसकी जवानी अल्लाह की इबादत में गुजरी हो, ये वो फजीलत है। जवानी गुजरने के बाद तुम इसे हासिल नहीं कर सकते। आज कितने बुजुर्ग हैं ऐसे जो जवानी में दूर रहे इबादतों से, दीन पे इस्तेकामत बाद में नसीब हुई, आज वो इस हदीस को सुनते हैं तो पछताते हैं अपनी गुजरी हुई जवानी पर। तुम्हारे सजदों की बड़ी कीमत है नौजवानों, तुम्हारी नमाजों की बड़ी कीमत है नौजवानों, तुम्हारे रोजों की बड़ी कीमत है नौजवानों, तुम्हारे सदक़े की बड़ी कीमत है नौजवानों, तुम्हारी तिलावत की बड़ी कीमत है नौजवानों, तुम्हारे जिक्र की बड़ी कीमत है नौजवानों। जवानी के इस मरहले में अल्लाह की इबादत कर लो, बड़ी फजीलतों के हकदार हो जाओगे।